नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉ लीगल एड्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPC की धारा 366A की, जो कहती है प्रोक्रेशन ऑफ माइनर गर्ल। अब दोस्तों, एक जो माइनर गर्ल है उसकी डेफिनेशन क्या है माइनर गर्ल की, यानी जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको माइनर गर्ल बोला जाएगा। अब क्या अपराध होगा? अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन देखा जाए तो इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, पहला फोर्स यानी बलपूर्वक और दूसरा सिड्यूस्ड यानी लुभा कर, यानी कोई लालच देकर। अब आते हैं सेंटेंस पे, यानी दोस्तों, अगर कोई लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर कोई व्यक्ति उसको ले जाता है, कैसे? बलपूर्वक ले जाता है या बहला फुसला कर ले जाता है, किस लिए? उसके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए, इंटरकोर्स करने के लिए। दूसरा, यह जानते हुए कोई व्यक्ति उस लड़की को भेजता है कहां पर, जहां पर उसके साथ ऐसी घटना घटने की आशंका 100% हो जाती है। यानी कोई लड़का, कोई भी इंसान कहता है कि तू वहां चली जा, और वो वहां जाकर अगर उसके साथ इस तरह का कोई भी इंटरकोर्स होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी IPC की धारा 366A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और जो करता है उसके खिलाफ भी किया जाएगा। यानी लुभावक किस तरह की कंडीशन में आ जाता है शेड्यूल में, यानी कोई शादी का भी झांसा देखे और 18 साल जिस उन लड़की की उम्र कम है उसको बहला फुसला करके शादी का बहाना देके और उसको ले जाए, किस लिए? उसके साथ इंटरकोर्स करने के लिए। यानी दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी महिला को, लड़की को जिसकी उम्र 18 साल से कम है, बलपूर्वक या बहला फुसला के या शादी का झांसा देके लुभाव में उसको ले जाए और उसके साथ गलत काम करने के लिए, तो उसके खिलाफ IPC की धारा 366A के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अगर हम इसमें सजा की बात करें तो 10 साल तक की इसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न है, साथ साथ जुर्माना भी है। कॉन्जेबल ऑफेंस है, यानी उस व्यक्ति को जिसने ये अपराध किया है उसको पकड़ने के लिए पुलिस को किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी उसको बरामद किया जाएगा लड़की के साथ, वहीं से अरेस्ट कर लिया जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी जब उसको कोर्ट में गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा तो उसकी जमानत नहीं होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट वो अदालत होती है जिसको उम्र कैद और फांसी देने का अधिकार होता है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी नाबालिग के साथ जिसने भी अपराध किया है उसको समझौता योग्य नहीं है, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।